उन्नाव में हुए बस हादसे पर बिहार सरकार के परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि ये बहुत दुखद घटना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी संवेदना व्यक्त की है। जो वजहें सामने आ रही हैं उसे चेक करने के बाद पता चला कि कागजात नहीं थे, परमिट, प्रदूषण, हर एक चीज फेल था। हमेशा उन्होंने कहा कि हम आग्रह करते हैं कि ओवरटेक से गाड़ियों को बचना चाहिए। जो घटना घटी है उस परिवार के समेत तमाम लोग दुखी हैं। जो लोग बस चलाते हैं, ड्राइविंग करते हैं, सभी लोगों से आग्रह भी मंत्री ने किया है कि इस चीज को थोड़ी गंभीरता से लें और सावधानी पूर्वक चलाएं। देखिए, अभी सबसे हमको भी पता चला, बहुत दुखद बात है और इसके लिए हमारे नेता आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी संवेदना व्यक्त किया है और उन्होंने कहा है कि बहुत ये दुखद बात है, ये सही बात है, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता है। आज जो घटना घटा है और जो वजह आ रहा है सामने में, जो उसके चेक किया गया है तो पता चला है कि उसके कागजात नहीं थे, परमिट नहीं थे, प्रदूषण जाँच है, बीमा का भी, सब चीज उसका फेल था। और सब हम तो हमेशा से, आप लोग कई बार हमसे पत्रकार लोग पूछते रहे हैं आप लोग कि मैडम इस पर क्या कर रहे हैं, तो हम तो कई जगह जाते सब लोग को कहते रहते हैं अरे ओवरटेक से बचिए और सब लोग सावधानी से गाड़ी को चलाइए, और सब लोग को बोलते हैं अरे 2 मिनट 4 मिनट से होता कुछ नहीं है, लेकिन इससे कितनी बड़ी क्षति हो रही है। आज बताइए उस परिवार का दशा, दिशा सोचिए कि जो जितना जो घटना घटा है उससे कितना मर्मान, सब लोग परिवार लोग दुखी हैं, हम लोग भी बहुत दुखी हैं, बहुत चिंता का विषय है। इस पर हम लोग को ध्यान देने की, और भी जो लोग बस चलाते हैं, जो भी ड्राइविंग करते हैं, उनको सब लोग से आग्रह करते हैं कि आप लोग हर बात को समझिए और गंभीरता से लीजिए। ये थोड़े से लाभ के लिए लोग गलत करते हैं, समझते नहीं है बात को, इससे हम कई लोगों को कितना क्षति होता है, कई लोगों का परिवार बिखर जाता है, सबको समझना चाहिए। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जनसंख्या दिवस पर बयान देते हुए कहा कि भारत अब दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन गया है, हमारे पास जमीन नहीं है, देश में जनसंख्या कंट्रोल पर कठोर कानून लागू करने होंगे, नहीं तो बहुत बड़ी समस्या होगी। दुनिया में अगर विकास के परचम फहराया है चाइना ने, तो 79 में अगर चाइना वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं लाया होता तो आज 60 करोड़ की आबादी बढ़ गया होता। भारत आज दुनिया का सबसे आबादी वाला देश बन गया है और 20% आबादी दुनिया के शेयर में हो गया है, दुनिया की जितनी आबादी है। हमारे पास जमीन नहीं है, 2011 के मुताबिक 0.12 हेक्टर है, पानी 2% है। तो ऐसी स्थिति में बढ़ती हुई जनसंख्या मेरे लिए एक चुनौती हो गया है और इस चुनौती का सामना केवल जनसंख्या के लिए कानून जैसे चाइना ने बनाया था वैसी एक सख्त कानून बनाने की जरूरत है। ऐसा कानून कि जो ना माने उसकी वोटिंग राइट समाप्त कर देनी चाहिए, उसको सरकारी सुविधा से वंचित करनी चाहिए, उस पर कानून का व्यवहार करना चाहिए, कानून का अंकुश लगे दुनिया में अगर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के जनसंख्या कंट्रोल पर दिए गए बयान पर राजद के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि देश की जनसंख्या नियंत्रण में है, लेकिन अब किस जनसंख्या की बात केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह कर रहे हैं ये पता नहीं चल रहा है। इसके साथ ही उन्होंने गिरिराज सिंह पर धर्म विशेष को टारगेट करने का भी आरोप लगाया। प्रजनन दर स्पष्ट करता है कि जनसंख्या नियंत्रण में है, अब किस जनसंख्या की बात करते हैं केंद्रीय मंत्री हमको पता नहीं चल रहा है। घर की बात करते हैं, परिवार की बात करते हैं, कहीं और इशारा है। धर्म विशेष को टारगेट कर करके जनसंख्या के सवाल पर राजित करने के बजाय अपने विभाग के बारे में बताएं ना। कपड़ा का अगर नाप छोटी पड़ गई है तो मंत्रालय के बारे में जीवन में कभी आपने कुछ कहा नहीं, ना कभी कुछ किया, तो एक बार वो भी बता दीजिए। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को जनता दल यूनाइटेड का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। इस मामले पर जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता हेमराज राम ने कहा कि मनीष वर्मा को जनता दल यूनाइटेड बिहार के लोग पहले से भी जानते हैं। मनीष वर्मा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ सरकारी स्तर पर लंबे समय से काम करते रहे हैं। पार्टी ने विचार विमर्श करके ही मनीष वर्मा को उनकी कार्यकुशलता और क्षमता के अनुसार एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। मनीष वर्मा जी एक अनजान व्यक्ति नहीं है। मनीष वर्मा जी को बिहार के लोग और माननीय मुख्यमंत्री और जनता दल यू के लोग सभी लोग पहले से भी जानते हैं।
चूंकि लंबे समय से वो बिहार में भी रहे हैं, बिहार के वासी भी हैं, और चूंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सरकारी स्तर पर काम लंबे समय से करते रहे हैं, इसको लेकर के बिहार के लोग और पार्टी के लोग सब लोग मनीष वर्मा जी के कार्य कुशलता, उनकी क्षमता, उनकी विद्वता के बारे में जानते हैं। और उन्होंने दो दिन पहले पार्टी की सदस्यता ली तो पार्टी ने विमर्श करके विचार करके ये फैसला लिया कि ऐसे व्यक्ति का कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, उनकी विद्वता और योग्यता का पूरा का पूरा सदुपयोग हो, पार्टी को कैसे धारदार बनाने में इनका सदुपयोग हो, इसलिए पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेवारी दी है उनको। मनीष वर्मा जी, बिहार में एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग उठने लगी है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने बयान देते हुए कहा कि लंबे समय से ये बिहार की मांग रही है, चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, ये बिहार की जनता की डिमांड है। उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के विकास और तरक्की के लिए विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज का इंतजाम जरूर करेंगे। देखिए, ये तो लंबे अरसे से बिहार की मांग रही है, और फिर ये सिर्फ सत्ता पक्ष की मांग नहीं रही है, ये बिहार की जनता का डिमांड है, और बिहार के दोनों सदनों से इसको पारित करके सरकार यहाँ से भेजी है। और उस समय ईपीए की सरकार थी और ईपीए की सरकार ने इसको नज़रअंदाज किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार में बिहार को उन्होंने पहले भी दिया है, पहले भी बिहार के बारे में सोचा है, पहले भी बिहार के लिए धनराशि उपलब्ध कराई है, और आगे आने वाले दिनों में बिहार की जो चुनौतियां हैं, बिहार के विकास का, बिहार की तरक्की का और बिहार में रोज़गार का, उस पर विशेष तौर पर ध्यान देके विशेष राज्य का दर्जा या विशेष पैकेज का इंतजाम जरूर करेंगे, ऐसा भरोसा। और नए अनुभव, जोश और उमंग का बेजोड़ संगम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। यहां आपको पुल पार्टी से लेकर वाटर वेव का होगा एकदम नया अनुभव। सबसे ज्यादा स्लाइड वाला राज्य का पहला वाटर पार्क का नाम है छोटा नागपुर वाटर किंगडम। तो परिवार के साथ आए रातू फन कैसल के पास स्थित छोटा नागपुर वाटर किंगडम। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टो मार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें केस्टो मार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर, बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।